जगदीश कौर जी, आप बहुत अपसेट हैं इस वर्डिक्ट से, अब आप आगे क्या, आपकी जो रणनीति है वो क्या रहेगी? मैं तो सारे हिंदू भाइयों, हाँ जी हेलो जी बताइए, मैं तो बहुत दुखी हूँ क्योंकि जो मेन दोषी है, हजारों आदमी का कातिल है, उसको तो छोड़ दिया। तो बार बार मैं ध्यान देती हूँ कि ये कातिल मैंने देखा है, ये कातिल है, भड़काता था है, तो उसको छोड़ दिया तो और क्या रह गया पीछे। तो मैं ये बस मैं डटी हुई हूँ, जा नहीं जाऊंगी, मेरे को सजाए मौत दो, क्योंकि परिवार को मतलब जला दिया, मुझे भी जलाओ, जा कोर्ट रूम में बैठी हूँ, उठूंगी नहीं, जा ही मर जाऊंगी। आप कह रहे हैं आप कोर्ट रूम छोड़ के नहीं जाएंगे जब तक फैसला आपके आपके हक में नहीं होता? अरे क्या रह गया बाकी, क्या रह गया, दूसरे दूसरों को तो थोड़ी बहुत सजा सुना दी, तो उसको बरी कर दिया, जो तो मुख्य दोषी था उसको तो बरी कर दिया, तो बाकी को भी छोड़ो, उनको क्या करना है, उनको भी क्यों देती सजा, मुख्य दोषी को नहीं देनी तो उसको भी छोड़ो, तो मुझे तो सजाए मौत, मैं तो मेरे को दो ना सजाए मौत, मैं तो कहती हूँ मेरे को दो ना। आज सुबह जब आप कोर्ट में आए तो क्या आपको भरोसा था कि मैं मर जाऊंगी, बस सजाए मौत देंगे तो उठूंगी ना बस, क्योंकि सिखों के लिए रास्ता है फांसी का, वो मेरे गले में डाल दे बस। आपको क्यों लगता है सज्जन कुमार को क्यों बरी किया गया आज?